बीकानेर जिले के खाजुवाला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे। इस मौके पर उनका शहर में स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर गोविंद राम मेघवाल से हमारे बीकानेर संवाददाता के सिंह ने की खास बातचीत। मिस्टर गोविंद मेघवाल जो कि बीकानेर आने पर जबरदस्त स्वागत हुआ उनका, सर बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बधाई। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले बीकानेर देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो तीन बजट दिए हैं उसमें भयंकर विकास के काम हुए हैं, और दो साल जो बाकी हैं उसमें भी हमें जबरदस्त राजस्थान में विकास कराना है। और दूसरी तरफ जो ये केंद्र में इनकी सरकार बनी है सांप्रदायिक ताकतों की, इसको नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रजातंत्र खतरे में। ये मात्र हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं, पूरे देश में आर्थिक रूप से नष्ट हो गए हैं, पूरे देश में GST लगा के व्यापार चौपट कर दिया है, कोरोना में लोग बेमौत मर गए हैं, और सारी संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने बेच दी है। तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी पूरे देश में आज घूम रहे हैं, और आने वाले समय में इन सांप्रदायिक ताकतों को नेस्तनाबूद करना है। सर कैबिनेट मंत्री खाजुवाला में पहली बार और बीकानेर में दूसरे कैबिनेट, क्या माने प्राथमिकता? मैं जनता का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मैं जबरदस्त हमारे जिले में संभाग में विकास के काम कराऊंगा। धन्यवाद। तो ये थे गोविंद राम मेघवाल जो कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार बीकानेर आए हैं, और बीकानेर का विकास इनकी प्राथमिकता रहेगी। KK सिंह, रेवन TV।